बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम खवातीन उस्ताद। आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये एक वीडियो है पाँव की उंगलियों के बारे में कि आप पाँव की उंगलियों की मदद से कैसे इंसान की पूरी शख्सियत का अंदाज़ा लगा सकती हैं। माहिरीन का कहना है कि पाँव की उंगलियाँ आपकी पूरी शख्सियत की अक्कासी करती हैं। आप किसी भी शख्स की पाँव की उंगलियों के ज़रिए इस शख्स की सेहत, बीमारी, शख्सियत, गर्ज हर चीज़ का अंदाज़ा लगा सकती हैं। पाँव की उंगलियाँ आपकी शख्सियत के हवाले से क्या कहती हैं, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाँव की दूसरी उंगली आपकी शख्सियत के बारे में क्या कहती है। आज की वीडियो ख़ास तौर पर इसी हवाले से है। हमने अक्सर यह देखा होगा कि कुछ अफराद के पाँव की दूसरी उंगली अंगूठे से बड़ी होती है। ऐसा क्यों होता है? माहिरीन का कहना है कि पाँव की उंगलियों की साख्त से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल में किसी शख्स ने कैसा काम सर अंजाम देना है। माहिरीन के मुताबिक पाँव की दूसरी उंगली अगर अंगूठे से लंबी हो तो ऐसे लोग इंतहाई ज़हीन होते हैं। नए नए आइडियाज़ इनके दिमाग में आते रहते हैं और इनकी कोशिश होती है कि थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। ये लोग इंतहाई ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक होते हैं। इसके अलावा ये लोग देखने में इंतहाई ज़हीन होते हैं। इस मुश्किल से मुश्किल काम को बहुत जल्द सीख लेते हैं। ऐसे लोग मुश्किल मसाइल को चुटकियों में हल कर लेते हैं। ये लोग मुख्तलिफ कामों को एक साथ करने में भी इंतहाई माहिर होते हैं। ये एक वक्त में कई सारी जिम्मेदारियाँ निभा सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज की हमारी इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताया जा सके जिसके बारे में शायद आपने कभी अंदाज़ा भी ना लगाया हो। इंसान अक्सर ये सोचता रहता है कि जब वो ऐसे इंसान को देखता है जिसकी दूसरी उंगली अंगूठे से बड़ी होती है तो ये किस वजह से होता है। इसकी मुकम्मल तौर पर आपको इन्फॉर्मेशन दी है। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।